करते हैं हेयर ट्रिकोलॉजी के ऊपर, टेक्निकल और साइंसिफिक स्टडी ऑफ हेयर। तकनीक और वैज्ञानिक ढंग से की हुई पढ़ाई को हम कहते हैं ट्रिकोलॉजी। अब दोस्तों, इसके अंदर आता है सब, जो पहला पार्ट आता है वो होता है कि व्हाट इज हेयर, हेयर होता क्या है हमारा। दोस्तों, इट इज़ ए थ्रेड लाइक आउट ग्रोथ ऑन अवर स्कैल्प। देयर आर नो ब्लीडिंग, नो फीलिंग ऑफ पेन व्हेन कट ऑन हेयर। दोस्तों, ये धागे की तरह होता है और इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। ये डेड सेल होते हैं हमारे, इसको काटने से कोई खून नहीं निकलता, कोई पेन नहीं होती, इसको बोलते हैं हम हेयर। दोस्तों, हेयर हमारा बनता कैसे है? दोस्तों, हमारा जो बाल है वो प्रोटीन सेल के साथ, कर्टेन सेल के साथ और बाइंडिंग मटीरियल, बाइंडिंग एंड बाटर एंड बाइंडिंग मटीरियल के साथ मिलके बनता है। दोस्तों, हमारा जो बाल है वो 18 से लेके 25 साल तक बहुत ज़्यादा एक्टिव ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और 32 से लेके 35 ईयर तक जब एज पहुँचती है इंसान की, तो उनके बाल जो हैं वो रिड्यूसिंग होना, कम होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जो मेन होते हैं उनकी जो रिड्यूसिंग होती है, बाल गिरना जो रिड्यूस होते हैं, झड़ते हैं बाल, वो झड़ते हैं क्राउन एरिया से। और दोस्तों, जो औरतें होती हैं, वोमेंस होती हैं, उनके जो हेयर झड़ते हैं वो झड़ते हैं ऑल ओवर हेयर। दोस्तों, उसके बाद आता है जो हमारा हेयर होता है, ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है। दोस्तों, हमारा हेयर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, रूट्स और शाफ्ट। जो रूट्स होती है वो होती है जिंदा, लिप कहते हैं उसको, और शाफ्ट होती है डेड। जो दोस्तों शाफ्ट होती है रूट्स के बाहर निकली हुई, वो होती है डेड। अब इसके 3 पार्ट आते हैं, शाफ्ट हो गया जो रूट्स के बाहर है, और उसके बीच में आ गया स्कैल्प। ये शाफ्ट है जो बाहर है, और ये यहाँ से वो निकला है उसको हम बोलते हैं स्कैल्प, और स्कैल्प से जो नीचे है उसको बोलते हैं हम रूट्स। तो इसके कितने पार्ट हो गए दोस्तों? 3, शाफ्ट एंड रूट। बट हेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, बिकॉज हमने स्कैल्प बीच में ली नहीं, तो क्यों, जिसके पार्ट तो 2 ही हैं, रूट्स और शाफ्ट। अब दोस्तों, एक हेयर का वजन कितना होता है, वेट कितना होता है? 1.37 मेट्रिक मेजरमेंट एक हेयर का वजन होता है। दोस्तों, हेयर फैक्ट क्या है? दोस्तों, हेयर फैक्ट किसको कहते हैं? दोस्तों, हेयर फैक्ट होते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी है, जिस सारी बॉडी बालों से भरी हुई है, कुछ पार्ट छोड़ के, जैसे कि पाम हो गया, सोल हो गया एंड लिप्स हो गया। अवर वूल बॉडी इज कवर्ड विद हेयर्स एक्सपेक्ट पाम, सोल एंड लिप्स। इन तीनों को छोड़ के पूरी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं। दोस्तों, एक अडल्ट हेड कंटेन, एक यंग इंसान के जो सिर है उसके ऊपर जो हेयर की गिनती है वो होती है 1:1.5 स्केल। हेयर फॉलिकल हमारे हेड के ऊपर होते हैं, जो कि गिनती बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि फॉलिकल क्या होता है। दोस्तों, फॉलिकल कहते किसको हैं? दोस्तों, फॉलिकल होता है, इट इज़ ए पार्ट फ्रॉम वेयर आवर हेयर ग्रोथ इट लाइक ए पोर्स। दोस्तों, यहाँ से हमारे पोर्स स्टार्ट होते हैं, यहाँ से हमारा बाल निकलता है, उसको हम बोलते हैं फॉलिकल, ठीक है जी। नॉर्मल हेयर ग्रोथ पर मंथ, दोस्तों एक महीने में हमारी जो ग्रोथ है, बालों की ग्रोथ है, वो होती है 0.5 इंच से लेके 1.5 इंच तक। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, बाल कितने भागों में बांटा जाता है,